अब तक हमने ये देखा कि ब्रह्मा जी अपने दिन में सृष्टि बनाते हैं और उनके रात में रचित सृष्टि का विनाश हो जाता है। लेकिन जब दिन में वह सृष्टि बनी हुई होती है तो ब्रह्मा जी को उसको चलाने के लिए उसे आबाद भी करना होता है, नहीं तो उस संरचना का मतलब ही क्या है। अब इस संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कामदेव। कामदेव ब्रह्मा जी के मानस से जन्मे पुत्र हैं, जिन्हें एक गन्ने से बने कमान और फूलों से बने तीर से दर्शाया जाता है। लेकिन पता है, कामदेव के अस्तित्व की कथा काफी रोचक है। मेरा नाम है अक्षित और हमारे फिर क्या हुआ सीरीज के 6वें एपिसोड में हम आज कामदेव की कथा जानेंगे। ब्रह्मांड की संरचना के दौरान ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्र बनाए, जिनमें से 7 सप्तऋषि भी थे। लेकिन इसी के साथ उनके मानस से एक पुत्री का भी जन्म हुआ। वह इतनी सुंदर थी कि वह किसी का भी मन मोह ले। उसे देखते ही 10 मानस पुत्रों को अपने मन में कुछ अजीब सा महसूस हुआ और ऐसा महसूस होते ही अचानक ही ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से एक सुंदर से जवान पुत्र उत्पन्न हुए। उसका सुनहरा रंग था, हाथ में एक गन्ने से बना कमान था और फूलों से बने तीर थे। उत्पन्न होते ही वह ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हुए पूछते हैं, हे ब्रह्मा, मैं कौन हूँ? आपने मुझे क्यों बनाया है और मेरे अस्तित्व का क्या महत्व है? उस समय तक चिंतन करने के बाद ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम इस ब्रह्मांड में प्रेम की भावना उत्पन्न करोगे। तुम इतने शक्तिशाली होगे कि देवतागण भी तुम्हारे प्रहार से बच नहीं पाएंगे। देवता तो क्या, भगवान विष्णु, भगवान शिव और स्वयं मैं भी तुम्हारे वाणों से प्रतिरक्षित नहीं होंगे। और फिर बाकी मानव पुत्र इस सुंदर दिखते हुए पुत्र का नामकरण करने लगते हैं। वे कहते हैं कि क्योंकि तुम किसी भी आकार में ढल सकते हो, इसलिए आज से तुम्हें काम के नाम से जाना जाएगा और प्रजापति दक्ष की पुत्री से तुम्हारा विवाह होगा। और जो सुंदर कन्या थी ना, उसका नाम संध्या रखा गया। अब ये सब सुन के काम ने सोचा कि मेरा कर्तव्य विश्व में प्रेम की भावना फैलाना है, लेकिन क्या मेरी शक्तियाँ काम करती भी हैं? क्यों ना एक बार मैं इन्हें इस्तेमाल करके देखूं? और ऐसा सोचते ही उन्होंने अपने तीर ब्रह्मा, उनके मानस पुत्र और संध्या पर चला दिए। अब ऐसा करते ही सभी संध्या की तरफ आकर्षित होने लगे और संध्या भी उनकी तरफ आकर्षित होने लगी। ये देखकर कामदेव मुस्कुराए और सोचने लगे कि वे अपना कार्य आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये देखकर धर्म, जो ब्रह्मा जी के दूसरे पुत्र थे, घबरा जाते हैं और महादेव जी को मदद के लिए पुकारते हैं। कुछ समय बाद शिव जी वहाँ प्रकट हुए, लेकिन ब्रह्मा को देखकर वह क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, ब्रह्मा, आप अपने कार्यों से कैसे भटक सकते हैं? आपके नक्शे कदमों पे ही तो सभी जीव जंतु चलेंगे। अगर आप ही अपने कार्यों से भटक जाओगे तो बाकियों पर क्या असर पड़ेगा? और आपके मानस पुत्रों में तो सप्तऋषि भी हैं जो वैराग्य का पालन करते हैं, वह कैसे अपने कार्यों से भटक सकते हैं? ये काम तो मूर्ख है, आप लोग कैसे इसके वश में आ सकते हैं? और ऐसा कह के शिव जी वहाँ से चले जाते हैं। अब महादेव जी से ये सुन के ब्रह्मा जी समझ जाते हैं कि उनसे गलती हो चुकी है। 10 मानव पुत्र वह संध्या भी कामदेव के वश से बाहर आ जाती हैं। संध्या को अपने किए में बहुत पछतावा होता है और वह महादेव की भक्त बन जाती है। फिर ब्रह्मा क्रोध में कामदेव के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी को इस बात का क्रोध था कि कामदेव ने अपनी शक्तियाँ उन्हीं पे क्यों इस्तेमाल कर दी, और वह कामदेव को श्राप देते हुए कहते हैं, शिव पर प्रेम की यही चाल खेलने के बाद आप उनकी तीसरी आंख की आग से जल के भस्म हो जाएंगे। अब ये श्राप सुन के कामदेव घबरा जाते हैं और दुखी भाव से ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मा, मैं तो बस अपना कार्य कर रहा था। आपने तो कहा था कि मैं आपके मन को भी विचलित करने में सक्षम हूँ, इसमें मैंने गलत क्या किया? आप कृपया करके मुझे इस श्राप से मुक्त करें। ब्रह्मा जी उनकी बात समझ जाते हैं और कहते हैं, चिंता ना करें, मैं ये श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, ऐसा बना सकता हूँ कि जल भुन के भस्म होने के बाद स्वयं महादेव आपको पुनः जीवित करेंगे। और ऐसा कह के वह वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बीत जाता है। एक दिन प्रजापति दक्ष कामदेव के पास आते हैं और कहते हैं कि मैंने आपके लिए एक योग्य कन्या ढूंढ ली है, वह मेरी ही पुत्री रति है। रति को देखते ही कामदेव को रति से प्रेम हो जाता है और कुछ समय बाद उन दोनों का विवाह हो जाता है। समय बीतने लगता है। कुछ समय के बाद अपने कार्य को करते करते ब्रह्मा जी को एक चिंता सताने लगती है। वह सोच रहे थे कि महादेव तो वैरागी हैं, अगर वह किसी भी पुरुष को स्त्री के प्रति आकर्षित ही नहीं होने देंगे तो इस प्रकार सृष्टि का विकास ही नहीं होगा। ये बात लेकर वह अपने 10 मानस पुत्र और कामदेव के पास आए और कामदेव को आदेश दिया कि वह अपनी पत्नी सहित महादेव का पीछा करें और महादेव के मन में प्रेम भाव जगाएं, ताकि वह भी गृहस्थ जीवन की महत्वता को समझ पाएं। कामदेव और उनकी पत्नी ये कार्य करने के लिए चले गए और पीछे से ब्रह्मा जी
महादेव जी के लिए एक योग्य पत्नी का विचार करने लगे। उसी दौरान कामदेव और रति महादेव जी के कार्यस्थल पे पहुंच जाते हैं। कामदेव ने अपने तीर महादेव जी की ओर चलाए तो सही, लेकिन उनसे कुछ असर नहीं हो रहा था। जहां काम के होने पे शिव जी के चारों ओर के जीव जंतु प्रेम के लक्षण दिखा रहे थे, वहीं महादेव आराम से अपने ध्यान में लगे हुए थे। असफल वह ब्रह्मा जी के पास वापस चले गए। ये सब सुनने के बाद ब्रह्मा जी समझ गए कि महादेव का वैराग्य तोड़ना कोई आसान कार्य नहीं। अंत में ब्रह्मा जी ने देवी शक्ति की प्रार्थना की कि वह दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लेंगी और शिव जी से विवाह करेंगी। देवी शक्ति ब्रह्मा जी की ये बात मान लेती हैं, लेकिन उन्होंने ये शर्त भी रखी कि अगर कभी भविष्य में दक्ष ने उनका अनादर किया तो वह अपने मानव शरीर को छोड़कर वहाँ से चले जाएंगी। और ऐसा ही होता है। कुछ समय बाद राजा दक्ष के घर में माँ पार्वती सती के रूप में जन्म लेती हैं और आगे चलकर उनका विवाह महादेव जी से होता है। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बदलती हैं कि प्रजापति दक्ष माँ सती के पति महादेव का भरी सभा में अपमान कर देती है। ये अपमान माँ सती को अपना अपमान लगता है और वह अग्नि में भस्म होकर अपने मानव शरीर को त्याग देती है। इसके बाद महादेव वैराग्य का पालन करने लग जाते हैं और अनंत में जाकर ध्यान में लीन जाते हैं। कुछ समय बाद तारकासुर नामक राक्षस तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लग जाता है। वह इतना ताकतवर हो चुका था कि सभी देवतागण परेशान होकर इंद्रदेव के पास जाते हैं। तब इंद्रदेव ने कामदेव को बुलाया और उनकी प्रशंसा करने के बाद उन्होंने बताया कि तारकासुर को ब्रह्मा जी से वरदान मिला है कि वह केवल महादेव के पुत्र के हाथों ही मर सकता है। लेकिन जैसे कि तुम्हें पता है कि माँ सती के शरीर त्यागने के बाद महादेव वैराग्य का पालन कर रहे हैं, वहीं हेमावन की पुत्री पार्वती उनकी आराधना में लगी हुई हैं। मैं चाहता हूं कि आप महादेव के मन में प्रेम ज्वलित करें ताकि वह वैराग्य तोड़कर माँ पार्वती के साथ गृहस्थ जीवन व्यतीत करें और उनका पुत्र तारकासुर का वध कर सके। कामदेव ने आज्ञा का पालन किया और अपनी पत्नी सहित उस स्थान में पहुँच गए जहाँ महादेव ध्यान कर रहे थे। वहाँ पहुँचते ही कामदेव ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया और हर जगह प्रेम बरसा दिया। माँ पार्वती भी वहाँ आए और सुनहरे पुष्प लेकर महादेव के समीप बैठ गए। फिर देव ने महादेव की ओर अपना पुष्प युक्त प्रेम बाण चलाया। महादेव की आंख खुली और उन्होंने माँ पार्वती को देखा, लेकिन तुरंत फिर से विकृत हो गए। इसके बाद उनकी नजर अपने बाई ओर खड़े कामदेव की ओर पड़ी। उन्हें देखकर वह काफी क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को वहीं पे भस्म कर दिया। ये दृश्य देखकर सभी देवतागण हैरान हो जाते हैं और अपने पति को अपनी आंखों के सामने ही राख बनता देख रति अपना आपा खो देती है। वह जोर जोर से रोने लग जाती है। तब सभी देवतागण महादेव को बताते हैं कि कामदेव के इरादे कोई गलत नहीं थे, वह तो केवल तारकासुर को हराने में हमारी मदद कर रहे थे। आप कृपया करके कामदेव को पुनः जीवित कर दें, रति का दुख हमसे देखा नहीं जाता। तब महादेव ने कहा, काम पुनः जीवित होंगे। अंत में शिव और पार्वती का विवाह हुआ और उसे खुशी खुशी मनाया जा रहा था। लेकिन उसी उत्सव में रति अपने पति काम की राख को लेकर महादेव जी के पास पहुंची और उनसे काम को पुनः जीवित करने की विनती करने लगी। शिव इस बात से सहमत हुए और राख को घूर कर देखा। तुरंत राख कामदेव में परिवर्तित हो गई और ऐसे काम एक बार फिर से जीवित हो गए। रति की खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं रहा। उन दोनों ने महादेव जी के सामने सर झुकाया और बाकी सभी देवी देवताओं से मिलने के बाद बाकी बचे हुए विवाह को संपन्न होते देखा और उसके बाद स्वर्ग की ओर चले गए। अब इस कथा के कुछ और रूप भी हैं, जैसे कि भागवत पुराण के अनुसार अपने पति को राख में भस्म होता देख रति ने महादेव से जब अपने पति को पुनः जीवित होने को कहा, तब महादेव ने कहा कि कामदेव द्वापर युग में श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में पुनः धरती लोक में जन्म लेंगे। फिर श्री कृष्ण एवं रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में कामदेव ने फिर से जन्म लिया। ग्रंथों और कथाओं के माध्यम से हमारे ऋषि हमें यही बताना चाहते हैं कि काम कोई अवांछित भाव नहीं, बल्कि उसका मनुष्य जीवन में उतना ही महत्व है जितना धर्म और अर्थ का। मैं जानता हूँ इन कथाओं को असत्य मानकर हम में से कई लोग इन कथाओं का मूल भाव अनदेखा कर देते हैं, जिससे फिर हमें सनातन और इसकी सोच को समझने में काफी दिक्कत होती है। आप बस ये जान लो कि वेदों के ज्ञान को आम इंसान को आसान भाषा में समझाने के लिए ऋषियों ने पुराणों का निर्माण किया था। हाँ, तो बस आज के हमारे फिर क्या हुआ सीरीज के एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको इस सीरीज को स्टार्टिंग से देखना है तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। बाकी मेरा नाम है अक्षित, मैं आपको मिलता हूँ अगले फ्राइडे फिर क्या हुआ सीरीज के नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए स्टोरीज विद अक्षित।